हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैक्जेटिव। लैक्जेटिव मीन्स होता है जुलाब या दस्तावर। इसके अंतर्गत पांच ड्रग आते हैं। ये हैं क्रमशः एलोए, रूबार, केस्टर आयल, इस्पगुला, सेना। तो चलिए हम बात करते हैं पहले एलो ड्रग के बारे में। सोर्स यानी स्रोत। एलो इज द ड्राइड जूस ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एलो। एलो जो है विभिन्न प्रजातियों की सूखी पत्तियों से प्राप्त शुष्क रस होता है। फैमिली लिलिएसी। फैमिली मीन्स होता है कुल जो है लिलिएसी। देयर आर अबाउट 180 स्पीसीज ऑफ एलो। एलो की लगभग 180 जातियां जो हैं, बट द इम्पॉर्टेंट वंस आर, बट मीन्स लेकिन महत्वपूर्ण एक है, जैसे एलो पेरी बैग, जिसे स्कोटोरीन एलो भी कहते हैं, एलोवेरा लिन, इसे जो है कुरेको एलो भी कहते हैं, एलो फेराक्स, इसे केप एलो के नाम से भी जैसे जानते हैं। द प्लांट इज ए जीरोफाइट। पौधा जो है एक जीरोफाइट होता है। द लीव्स आर फ्लैशी। पत्तियां जो है फ्लैशी मीन्स मांसल होती हैं, एंड कंटेन ए जूस प्रेजेंट इन द पैरेंचाइमेटस सेल, और पैरेंचाइमेटस कोशिकाओं में रस मौजूद होता है। दी जूस एक्जूड्स व्हेन द लीव्स आर कट। जब पत्तियां कट जाती हैं, अर्थात कट जाने पे रस निकलता है। वेरियस मेथोड आर यूज फॉर ड्रेनिंग एंड कंसनट्रेटिंग द जूस। विभिन्न विधियों का प्रयोग जो है ड्रेनिंग मीन्स इस रस को निकालने में, और कंसनट्रेटिंग मीन्स ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। द इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ येलो आर डिस्क्राइब बिलो। अर्थात एलो की व्यक्तिगत प्रजातियों का डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन जो है बिलो मीन्स नीचे किया गया। स्कोटोरीन एलो। सोर्स यानी स्रोत एलो पेरी बेकर। जियोग्राफिकल अक्यूरेंस मीन्स होता है भौगोलिक घटना। फाउंड इन सोकोत्रा, जंजीवार, इजलैंड एंड नाइबोर्स एरिया। सोकोत्रा, जंजीवार, इजलैंड और पड़ोसी क्षेत्र में पाया जाता है। कुरेको एलो। सोर्स एलोवेरा लिनन। जियोग्राफिकल अक्यूरेंस मीन्स होता है भौगोलिक घटना। इट ग्रो इन नॉर्थ अफ्रीका, अरूबा, बोनेरिया एंड क्रोको इन वेस्ट इंडीज। यह जो है ना उत्तरी अफ्रीका, अरूबा, बोनेयर और पश्चिमी क्रोको में बढ़ता है, ग्रो करता है, इनमें बड़ो करता है। तीसरा हमारा केप एलो। केप एलो सोर्स यानी स्रोत ए फेराक्स आर इट्स हाइब्रिड। एलो फेराक्स आर मीन्स अथवा इसके हाइब्रिड। जियोग्राफिकल अक्यूरेंस मीन्स भौगोलिक घटना। इट ग्रो इन केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में अच्छी उम्मीद के केप मीन्स किरण, अच्छी उम्मीद की किरण में बढ़ता है। अब हम बात करेंगे एलो के घटक के बारे में। कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एलो अर्थात एलो के घटक। दी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एलो आर एलो के घटक हैं। पहला नंबर हमारा एलोइन, दूसरा है डी ग्लाइकोसाइड, तीसरा है एलो रेजिन। एलोइन इज ए मिश्रण ऑफ थ्री आइसोमेर्स। एलोइन जो है तीन आइसोमेर्स का मिश्रण होता है। बारबालोइन फर्स्ट नंबर है, बारबालोइन दूसरा है हमारा बीटा बारबालोइन, तीसरा है आइसो बारबालोइन।
बारबालोइन इज ए ग्लाइकोसाइड, बारबालोइन जो है एक ग्लाइकोसाइड होता है विच इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्पीसीज, जो कि सभी तीनों स्पीसीज में प्रेजेंट होता है, स्पीसीज मीन्स प्रजातियों में। बीटा बारबालोइन इज एब्सेंट इन स्कोटोरिन एलो, बीटा बारबालोइन जो है स्कोटोरिन एलो में अनुपस्थित होता है बट प्रेजेंट इन ऑल द अदर टू, लेकिन अन्य दो में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट आर डी ग्लाइकोसाइड में उपस्थित होते हैं एमोडिन 8 ग्लाइकोसाइड, नंबर दूसरा एमोडिन ऑक्सेंथ्रेन ग्लाइकोसाइड। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलो के उपयोग के बारे में कि एलो का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला नंबर एज ए परगेटिव अर्थात दस्तावर के रूप में करते हैं, परगेटिव मीन्स दस्तावर या जुलाफ। दूसरा नंबर ऑइंटमेंट ऑफ एलो जेल फॉर बर्न्स एंड स्किन इरिटेशन, अर्थात जलने और त्वचा जलन पर जो है एलो जेल का मलहम, ऑइंटमेंट मीन्स मलहम जो है प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक मीन्स होता है सौंदर्य प्रसाधन, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन के एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इंग्रेडिएंट मीन्स घटक। चौथा नंबर है एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कंपाउंड बेंजोइन टिंचर, अर्थात बेंजोइन टिंचर मिश्रित बेंजोइन टिंचर के एक घटक के रूप में। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।